अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो आप सब? खैर ऐसे होंगे। आज बहुत यूनिक रेसिपी है, आप लोग को ज़रूर पसंद आ जाएगी और इस रेसिपी को ट्राई भी करना, क्योंकि हर लोग कोई पसंद नहीं करता है, मगर मैं भी पसंद नहीं करती हूँ। मेरी बहन रत्नागिरी में रहती है तो ज़्यादातर मुंबई का सी फूड नहीं खाती है। उन लोग के गांव साइड समुंदर साइड में ही लोग को इतना सारा सी फूड मिल जाता है तो सबके घरों में पहुंच भी जाता है। तो बस आज उसके घर में ये आया था माखूल, इसे माखूल कहते हैं। तो आज माखूल आया था तो मुझे भी फ़ोन आ गया कि शबनम घर आ जाओ, आज माखूल बनाती हूँ और आपको खिलाती भी हूँ और वीडियो भी शेयर कर लेना। तो बस मैंने दौड़ी दौड़ी बहन के घर चली गई। तो आज मेरी बहन माखूल बना रही है, तो चलो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो। तो बस इसे माखूल कहते हैं और ये एकदम आसानी से साफ़ हो जाता है। तो मैं आप लोग को साफ़ करने का तरीका भी और रेसिपी बनाने का तरीका भी बताऊंगी। तो बस उसकी चमड़ी आराम से निकल जाती है, छुरी की मदद से हम उसकी चमड़ी पे ऐसे चलाएंगे तो आराम से चमड़ी निकल जाएगी, मतलब अच्छे से ब्लैकिंग निकल जाएंगे। फिर उन फिंगर की मदद से उसके अंदर उंगली डालेंगे तो अच्छे से पूरा काला काला उसकी सियाही जो होती है ब्लैक कलर की वो निकल जाएगी। और देखो कितना क्लीन हो गया, बहुत आसानी से मतलब साफ़ हो जाता है, कोई मगजमारी नहीं। तो आप लोग को ये देखो क्लीन होने के बाद ऐसा कलर हो जाता है पूरा फुल वाइट। तो अभी मैं इसे ऐसे भी फ्राई कर सकती हूँ, मगर मैं ऐसे फ्राई नहीं करूँगी, फ्राई करूँगी इसके गोल गोल काट के। तो बस फिंगर रिंग बना लूंगी उसे और उसको काट लूंगी। काटने के बाद उसको धो के अच्छे से नमक से क्लीन करके साइड में रख दी थी। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, चिकन का पाउडर लूंगी और उसमें गरम मसाला, हल्दी, धनिया, लाल मिर्ची, इन सब मसालों को डाल दूंगी। डालने के बाद माखूल को लेके मैं अच्छे से अंदर उसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे एक घंटा या आधा घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। जब मैं घर आई अपने हस्बैंड को बताई कि आज मैं माखूल खा के आई, तो मेरे हस्बैंड समझे नहीं। जब मैं वीडियो पे उनको दिखाई कि ये रेसिपी है तो हस्बैंड तो चौंक गए, बोले ये तुमने खाया? तो मैं बोली इंशाल्लाह तुम ये मीरा रोड में भी कहीं मिला तो मैं तुम्हें खिलाऊंगी और ट्राई भी कराऊंगी। तो हस्बैंड ने मना कर दी, कहते ही मुझे खिलाना है नहीं, मगर जब मैं उनको अनजाने में खिलाऊंगी ना चिकन का बोल के, तो वो मुझे लगता है खा लेंगी, क्योंकि मुझे पसंद आए तो इनको ज़रूर पसंद आएगा। बस फिर तेल गर्म हो गया था, फिर मैंने उसके अंदर ये एक एक करके पीस डालने लगी थी और हमें इसे सिलो आंच में ही डालना है। मैंने माखूल को 10 मिनट के लिए तेल में डाल के रख दी थी, अब इसे ढक्कन लगा दूंगी, खुद ब खुद वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा और गोल रिंग हो जाएगा। बस ये मेरा बन के हो गया था, देखो गोल गोल रिंग है। गोल गोल रिंग इसके लिए क्योंकि हमने जैसा शेप लोगे वैसे ही वो बनता है। और पहली बात ये है कि ये ऑक्टोपस नहीं है, ये है माखूल है। तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आप लोग को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फुल चिकन के जैसे ही टेस्ट आ रहा था, तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है।